गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरसॉफ्ट गन इंडिया के शॉटगन के बारे में। दिस इज बेसिकली अ सिंगल शॉट एयर राइफल, 0.177 का ये एयर राइफल है और ये फुल मेटल और वुड का बना हुआ है। तो ये जो बट वाला पार्ट आप देख रहे हो शॉटगन का, इट इज़ मेड अप ऑफ वुडन और ये जो है पार्ट ये बना हुआ है मेटल का। तो ये काफ़ी अच्छी गन है। ये जो लोगों को ने देखा होगा असली शॉटगन जो बैंक वैंक वाले रखते हैं उससे मिलता जुलता मॉडल बनाया गया है एंड इट इज़ वेरी गुड। इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये उन लोगों के लिए है जो देवाना डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब अब हर इंसान सी ओ टू गन अफोर्ड कर नहीं सकता या फिर उस सी ओ टू गन्स के भी ना अपने ड्रॉबैक्स है कि आपको सी ओ टू गन्स लोड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे 50-60 गोलियाँ चलानी है या यू नो मुझे बेसिक्स प्रैक्टिस करनी है, मुझे निशान लगाना प्रैक्टिस करना है। सो आई विल गो फॉर दिस और मुझे कुछ खरीदना है अपने यूज़ के लिए, कलेक्शन के लिए। आई डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो ये आप खरीद सकते हो। ये आई गेस बहुत कम आता है, 5-7 हज़ार में आता है, आई गेस उससे भी कम आता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और आप देख सकते हो ये वुड का है एंड दिस इज इंडियन मेड, ये इंडिया में बनता है। तो इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होगी एंड क्योंकि ये मेटल का है तो कहीं कहीं आपको जो है रस्ट दिखेगा, हल्का दिखेगा, बट दैट कैन बी क्लीन्ड अवे। बाकी ये साइट है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देन आफ्टर ऑल आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपने हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। एयर गन सब पे टाइम लगाना पड़ता है आपको। सामने का भी जो साइट है ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है, तो आपको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना है। और वंस यू जीरो इट अप तो आपका निशाना जो है बिल्कुल पक्का लगेगा, बट देन तब तक के लिए आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और इन सब पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करें अपने हिसाब से, आप घुमाइए ट्विक करिए एंड देन गेट यूज टू इट। ये सिंगल शॉट है, इसमें एक टाइम में सिर्फ एक गोलियां डलती हैं और ये बहुत सिंपल है। आप बस को ब्रेक करो, पैलेट डालो और फायर करो। ये 0.177 का है तो इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है रखने के लिए। ये लेस देन 20 जाउल है, तो आपको खरीदने के लिए सिर्फ आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका वेट कितना है। पहले तो मैं लंबाई की बात करता हूं। ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, मैं इससे आपको मेजर करके बता देता हूं कि इसका टोटल लंबाई कितना है। तो आप देख सकते हो ये इंच में हो गया 37.5 और सेंटीमीटर में लगभग 96 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसका ये वुडन का है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो विच इज़ वेरी गुड। ये जो है ट्रिगर गार्ड ये भी बना हुआ है मेटल से, ट्रिगर भी मेटल का है। ऊपर आप देख सकते हो ये रेल बना हुआ है, रेल आप खोल भी सकते हो बट इसके ऊपर स्क्रू डाला हुआ है। इस रेल का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर स्कोप लगा सकते हो एंड यू कैन यूज़ द स्कोप फॉर टारगेट प्रैक्टिस। चलिए अब मैं इसको आपको वजन बता देता हूँ, इसका वजन कितना है। यू कैन सी ये -4 ग्राम अभी दिखा रहा है और इसका वजन है 3078 ग्राम, मतलब ये 3 किलो के करीब का है। ये कई बार 3 किलो से थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वुड का बना है तो वुड जो है हवा से नमी खींचता है और ये मेटल का ऑलमोस्ट डेंसिटी सेम होता है, वुड की डेंसिटी आगे पीछे हो सकती है। तो आप 3 किलो 100 ग्राम के आसपास इसे देख सकते हो। दूसरा इसके साथ आपको ये स्लिंग दिख रहा है, ये स्लिंग जो है नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की तो आप इसे नहीं कह सकते बट ये काम चलाओ स्लिंग है। और वैसे भी आई पर्सनली डोंट लाइक स्लिंग क्योंकि हमें कौन सा काम कंधे पे डाल करके घोड़े पे भागना है, हमें तो सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करना है। और हमारे पास इसका हुक्स भी आते हैं, तो अगर आप अपने घर पे दीवार पे सजा के रखना चाहते हो यू कैन बाय द हुक लगाइए और इसको घर पे सजा के रखिए, इट वर्क्स वेरी नाइस। आप वेबसाइट पे देख सकते हो एक्सेसरीज के कॉलम में। ये पैलेट्स हैं, दिस आर वेरी चीप पैलेट्स, ये भी इंडियन मेड है। आप देख सकते हो ये 0.177 का पैलेट है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आप चाहो तो उसको अपने हाथों से प्रेस कर सकते हो। आप देख सकते हो ये प्रेस हो जाता है। इसे बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये बहुत हार्ड रहेगा तो किसी को हर्ट कर सकता है, अगर ये प्रेस हो जाता है तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता एंड इट इज़ गुड फॉर टारगेट प्रैक्टिस। आप इससे 10 मीटर के रेंज तक प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता मैं, मतलब कॉम्पिटिशन में आप इससे नहीं खेल सकते, बट टू स्टार्ट विथ अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो यू कैन स्टार्ट विथ दिस। अब इसको चलाते कैसे हैं, जस्ट प्रेस इट लाइक दिस, यहाँ प्रेस करिए, इसको नीचे ब्रेक करना होता है एंड यहाँ आप देख सकते हो देयर इज एन होल इस जगह एंड यू जस्ट पुट द पैलेट जस्ट लाइक दिस। आपको इसे पूरा अंदर इंसर्ट करना है, मेक श्योर कि आप पूरा इंसर्ट हो, हाथ आप बराबर कर सकते हो, देन जस्ट टेक इट लाइक दिस, एक
झटका देना है और ये लॉक हो जाएगा एंड दिस इज गुड टू फायर। चलिए आप देख सकते हो सामने। अब जनरली जो शॉटगन होता है उसे यहाँ पे लगा करके फायर करते हैं कमर पे, अगर आपको नहीं पता है, बट मैं उसको ऐसे फायर करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो सामने, ओके मैंने फायर किया। आई टुक सम टाइम बट यू कैन सी वो 8 नंबर पे फायर हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने 8 पे फायर किया। एक और राउंड चलाएंगे और आपको दिखाते हैं कि ये यू नो कितना पावरफुल है। चलिए एक और राउंड मैं इसके डाल रहा हूँ एंड इसको विल जस्ट पुट इट लाइक दिस। एक और फायर करके देख लेते हैं, ओके ये भी 8 पे गया है बट इस बार मैंने नीचे फायर किया। चलिए आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो ये भी 7 और 8 के बॉर्डर पे लगा है, विच इज क्वाइट नाइस। सो दैट्स इट गाइज, ये काफी अच्छी गन है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो अभी जाइए वेबसाइट पे एयरसॉफ्ट गन इंडिया, उस पर जाकर के ऑर्डर कर लीजिए। वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, यू कैन बाय फ्यू ऑफ देम्स। आप अलग अलग मॉडल के खरीद सकते हैं। एक CO2 गन के प्राइस में ऐसी आप 10 गन खरीद सकते हैं। सो वेट मत करिए, अगर आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। व्हाट्सएप का भी नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप से भी रिप्लाई नहीं आ रहा बिकॉज वी गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस टू कॉन्टैक्ट, तो आप हमें मेल कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com या फिर वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है उस पर क्लिक करके आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। एंड यस वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, सो वेट मत करिए, गो एंड ऑर्डर इट राइट नाउ।